बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। वडोदरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रावत पर लगा है आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। नरेंद्र रावत ने पोलिंग बूथ के बाहर अपना इलेक्शन सिंबल दिखाते हुए फोटो खींची और कानून के मुताबिक मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वोटिंग के दिन चुनाव चिन्ह दिखाने पर रोक है। उन पर आरोप लगा है आचार संहिता के उल्लंघन का, चुनाव चिन्ह दिखाने का आरोप है। आइए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता निर्णय के पास, उनके पास और जानकारी है। निर्णय, देखिए जिस तरह से नरेंद्र रावत की ये जो एक्ट सामने आया है, साफ दिखता है कि ये प्री मोटिवेटेड एक्ट था, प्री मेडिटेटेड एक्शन था उनका, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब वो वोटिंग करने जा रहे थे उससे पहले ही वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए सुने गए कि वो अपना सेल्फी लेकर के इस तरह से पोस्ट करेंगे जैसे नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को किया था। कहीं ना कहीं वो ऐसा दिख रहा है कि पब्लिसिटी ज़्यादा लेने के प्रयास में उन्होंने ये हरकत की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पोलिंग बूथ के ठीक बाहर, पोलिंग बूथ जैसे ही वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकलते हैं, बाहर आके तुरंत वो अपना कांग्रेस का सिंबल दिखाते हुए सेल्फी लेते हैं और उसके बाद उसे अब वो पोस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि ये प्री मोटिवेटेड एक्ट था और इसको एक तरह से पोल कोड के वायलेशन के तौर पे देखा जाएगा कि आप 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो पॉलिटिकल हो। ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि जो नरेंद्र रावत का एक्ट था ये गैर इरादतन नहीं था, अनइंटेंशनल नहीं था। अनइंटेंशनल एक्ट होता तो शायद इस तरह से वो ये हरकत नहीं करते। ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने जानबूझकर के किया है। अब मामला कलेक्टर के पास जाएगा और जो कि इस पूरे सीट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो डिसाइड करेंगे कि आगे उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि एक्शन लिए जाते हैं तो नरेंद्र रावत के खिलाफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के धारा 126 और 125 के तहत कार्रवाई हो सकती है जिसमें उनका डिस्क्वालिफिकेशन तक हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं इस हरकत की। तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कैसे उनके हाथ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और खुद मोबाइल से वो अपनी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर लेने से ज्यादा ये एक कुछ प्रदर्शन जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा निर्णय भी अभी बता रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा इस पर चुनाव आयोग आगे क्या कदम लेता है, क्योंकि ये नियम है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर आप इस तरह से अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिखा सकते और ना ही कोई प्रमोशनल कैंपेन कर सकते हैं।